हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीत डिजाइंस में। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी ब्यूटीफुल पार्टी वेयर नेक डिजाइन, जिसे हम गोटा पत्ती लेस के साथ रेडी करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम अपना नेक डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। तो ऐसे मैंने अपनी कुर्ती के साथ की जो पैंट प्लाजो है उसका फैब्रिक लिया है, ये ग्लेज कॉटन का फैब्रिक है, और इसके ऊपर मैंने पेस्टिंग भी लगा ली है, ये देखिए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने ये कितना लंबा और कितना चौड़ा लिया है। लंबाई में मैंने लगभग 18 इंच लंबा लिया है ये देखिए, और चौड़ाई में है लगभग 8 इंच ऐसे। तो अब हम इस पे गोटा पत्ती लगाएंगे। पेस्टिंग से क्या होगा, हमारा ये फैब्रिक थोड़ा थिक हो गया और गोटा पत्ती लगने में भी फिनिशिंग अच्छी आती है। तो गोटा पत्ती मैं ये वाली यूज कर रही हूँ, बिल्कुल बारीक सी गोटा पत्ती है, और एक ही सिलाई से स्टिच भी हो जाती है। तो अब हमने इसको डायगोनल शेप में लगाना है। एक कॉर्नर से मैं ऐसे शुरू करूंगी इसको लगाना, तो ऐसे देखिए एक गोटा पत्ती हमारी ये स्टिच हो गई है। अब हमने यहाँ पे लगभग 1.5 इंच का गैप देते हुए दूसरी गोटा पत्ती को स्टिच करना है। मैं यहाँ पे गैप थोड़ा ज्यादा ले रही हूँ, आप चाहो तो कम भी ले सकते हो, मैं लगभग 1.5 इंच का ले रही हूँ इसमें गैप। तो ऐसे ही हमने 1.5 इंच का गैप लेते हुए पूरी गोटा पत्ती को अपने फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर लेना है। तो ऐसे देखिए एक तरफ से हमारी ये गोटा पत्ती पूरे फैब्रिक के ऊपर स्टिच हो चुकी है। अब हमने दूसरी तरफ से करनी है, तो दूसरा कोना हम इस साइड से शुरू करेंगे। पहले हमने इस साइड से शुरू किया था, अब हम इस साइड से लगाना शुरू करेंगे अपनी गोटा पत्ती को। तो इस तरीके से हमें इनको क्रिस क्रॉस स्टाइल में स्टिच करना है। तो सेम गैप लेना है हमें दूसरी गोटा पत्ती में भी 1.5 इंच का, इसी तरीके से हम यहाँ पे क्रिस क्रॉस बना लेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने एक स्टिच कर ली है। अब हम 1.5 इंच का गैप लेंगे इसमें और ऐसे स्टिच कर देंगे अपनी गोटा पत्ती को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये फैब्रिक जो है गोटा पत्ती के साथ पूरी तरह से रेडी हो गया, और कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं हमारे ये क्रिस क्रॉस पड़े हुए। अब हमने क्या करना है, इसके तीनों साइड पे हमें ये गोटा पत्ती को स्टिच करना है, ये ट्रायंगल वाली गोटा पत्ती को। तो हमें ऐसे इसको उल्टा रख के ये ट्रायंगल वाली गोटा पत्ती को ऐसे इसके ऊपर उल्टा रखना है, और यहाँ पे बीच में सिलाई लगा देनी है। हमने तीन साइडों पे सिलाई लगानी है ऐसे, फिर नीचे से, देन फिर आगे ऊपर से। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कैसे। तो हमने इस लेस का सिर्फ एक ही ट्रायंगल बाहर को दिखाना है, इसीलिए हम इन दोनों ट्रायंगल के बीच में सिलाई लगाएंगे बिल्कुल सेंटर में, और ऐसे इसको सीधा सीधा रखते हुए किनारी पे। तो ऐसे अब नीचे से मोड़ते हुए अब नीचे की तरफ लगा देंगे, फिर अब हम यहां से भी मोड़ लेंगे ऊपर की तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये जो लेस है वो तीनों साइडों पे लग चुकी है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था कि ये मैंने उल्टा रख के लगाई है, अब हमें इसको सीधा करना है। तो सीधा हम इसको इस तरीके से पलट के हम इसके ऊपर प्रेस कर देंगे। तो ऐसे हम इसको साथ साथ फोल्ड करते जाएंगे और प्रेस करते जाएंगे। सिलाई हम एक ही बार में लगाएंगे जब हम इसको कुर्ती पे स्टिच करेंगे, और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग भी आएगी ऐसे हमारी लेस की। तो ऐसे हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल एंड यूनिक डिजाइन पार्टी वेयर रेडी हो जाएगा। तो आप भी अपनी कुर्ती पे इसको बनाइए। तो ये देखिए ऐसे मैंने इसको प्रेस के साथ अच्छे से फोल्ड कर लिया है, और देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है हमारी लेस में भी। तो अब हम इसको अपनी कुर्ती पे स्टिच करते हैं। तो ये मेरी कुर्ती है, प्रिंटेड कुर्ती है। अब मैं इसके ऊपर इसको रख के स्टिच करूंगी। तो सबसे पहले मैं इसको बिल्कुल सेंटर में रखूंगी, इन दोनों का सेंटर लेते हुए मैं एक रफ स्टिच करूंगी, उसके बाद बिल्कुल किनारी की सिलाई के साथ इसको स्टिच कर दूंगी अपनी कुर्ती के ऊपर। तो ऐसे हम इन दोनों के सेंटर में रफ स्टिच करेंगे। तो आप अपनी कुर्ती का जो फैब्रिक है उसको भी सेट करते जाएं साथ साथ, कोई भी बल नहीं आना चाहिए बीच में। तो रफ स्टिच हो चुकी है, अब हम किनारी की सिलाई लगा रहे हैं। तो बिल्कुल किनारी पे आप सिलाई लगाएं और धीरे धीरे फिनिशिंग के साथ। तो अब नीचे से अपनी सिलाई को मोड़ लेते हैं, इसी तरीके से नीचे से भी स्टिच कर देंगे और फिर ऊपर से। ये देखिए ऐसे हमारा ये पैटर्न कुर्ती के ऊपर स्टिच हो गया, और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा डिजाइन, अभी हमने क्या करना है इसके साथ।
लगभग 1 इंच का गैप लेके हमें एक और लेस ऐसे ही स्टिच करनी है, लेकिन ये जो लेस है पूरी एंड तक हम करेंगे कलियों के स्टाइल में, अपनी कुर्ती पे कलियों के स्टाइल में इस लेस को स्टिच करेंगे, तो ऐसे लगेगा ये हमारी कुर्ती जो है कलियों वाली स्टिच हुई हुई है और बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन ऐसे हमारा ये कुर्ती का रेडी होगा। तो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। आप यहाँ पे कोई भी लेस अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। मैं ये वाली गोटा पत्ती कर रही हूँ, ये ऊपर से ही ऐसे ही स्टिच हो जाएगी। तो ऐसे हम इस लेस को बिल्कुल सीधा सीधा रखते हुए और 1 इंच का ही गैप हमने लेना है, ज्यादा नहीं लेना, और इसी तरीके से बिल्कुल सीधा सीधा नीचे तक हम इसको स्टिच कर देंगे पूरा घेरे तक, और ऐसे ही दूसरी साइड भी हमें इसको स्टिच करना है। तो दोनों तरफ मैंने ऐसे लेस को स्टिच कर लिया और इसके ऊपर नेक भी पलट लिया है। मैंने इसके ऊपर शॉर्ट राउंड नेक बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक बना सकते हो। तो ऐसे देखिए कितनी आसानी से हमारी ये ब्यूटीफुल पार्टी वेयर कुर्ती रेडी हो गई है। तो अभी मैं आपको इसको पहन के भी दिखाती हूँ। तो ये होगी इसकी पहनने के बाद फाइनल लुक। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।